सो हमने चार तरह के ऐसे मॉलिक्यूल देखे थे, जो कि होता तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम ही है, 1000 से कम होता है, लेकिन फिर भी वो इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। वो थे प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। सो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं। द अदर टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। सो ये माइक्रो मॉलिक्यूल का पार्ट है। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर विद पॉलीसेक्राइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज कंप्राइज द ट्रू माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, कैसे बनते हैं कि पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड जब मिल जाते हैं ना, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन बना देते हैं। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। मीन्स न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हमारा DNA है, RNA है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सो उनकी रिपीटिंग यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक तो रिंग होती है जिसको हम शुगर बोलते हैं, देन उसमें ATCG ये ग्रुप लगे होते हैं जिनको हम नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं, और एक साइड उसमें फॉस्फेट ग्रुप लगता है। सो उसकी वजह से ये इनकी चेन बनती है न्यूक्लियोटाइड की, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और उस पूरी चेन को फिर हम न्यूक्लिक एसिड्स बोल देते हैं। DNA और RNA के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। बाकी इनके पास ये जो कंपोजिशन है शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस का, ये तीनों के पास, इन दोनों के पास होता है। अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। तो तीनों केमिकली डिस्टिंक्ट होते हैं ये। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमारे ATCG। सेकंड मोनोसैकेराइड, जो हमारी शुगर की चेन होती है। तीसरा फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट होता है। सो जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है न्यूक्लिक एसिड्स में, वो है नाइट्रोजनस बेसिस नेम एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरेसिल RNA में होता है। एडिनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। सो एडिनिन और ग्वानिन, इन दोनों को हम प्यूरिन बोलते हैं। वायरस स्टार सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडिन्स, बाकी को हम पिरिमिडिन्स बोलते हैं। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोस, अ मोनोसेक्राइड पेंटोज, और 2-डीऑक्सीराइबोस। मीन्स उसमें जो शुगर होती है वो राइबोस हो सकती है। राइबोस क्या होती है? वही पेंटोज शुगर होती है, मोनोसेक्राइड पेंटोज होता है। DNA जो होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस, उसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप नहीं होता, जो OH होता है ना सेकंड पोजीशन पे, वो OH नहीं होता। बाकी RNA और DNA की स्ट्रक्चर सेम होती है। अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, व्हाइल द व्हिच कंटेन्स राइबोस इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो ये राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर दी हुई है। ये DNA की नहीं है, सिर्फ राइबोस शुगर है। इसमें अभी हम फॉस्फेट ग्रुप लगा देंगे, और इसमें जब हम नाइट्रोजनस बेस लगा देंगे, कुछ भी A लगा दो, TCG, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ेगी फॉस्फेट ग्रुप से, मीन्स मान लो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, तो ऐसे चेन जुड़ेगी फॉस्फेट ग्रुप से, तब हम उसको DNA या RNA बनेंगे। लाइक DNA बनाना है तो ये जो सेकंड पोजीशन है इसमें से OH हटा दो, तो DNA बन जाएगा। अभी ये RNA की चेन बनाएगा।